तभी जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आयुर्वेद आप बीमार ना हो उसके लिए पहले है, और अगर कोई विकार शरीर में आए तो उसके लिए तो आयुर्वेद डॉक्टर है ही है। आयुर्वेद के अंदर यानी कि हमारी जो ये इतनी प्राचीन जो पत्ति है उसके अंदर कितनी ऐसी ढेरों फॉर्मेशन हैं, या ढेरों ऐसे हर्बल फॉर्मेशन हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी किचन में ही इस्तेमाल करते हुए अपनी हेल्थ को, अपने परिवार की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। उनमें से ही कुछ हर्ब्स जिसको हम आजकल तो हम उसको क्लासिकल लेहम या साइन बोलते हैं, बट लेकिन अगर आप पुराने जमाने की बात करो तो ये सारे चूर्ण और चटनी के रूप में जाने जाते थे। लेकिन इतनी चमत्कारी ये फॉर्मेशन होती थी कि लोग पुराने वाले अगर आप देखें जो हमारे बुजुर्ग थे 100-100 साल तक 110-110 साल तक जिंदा रहते थे और इंजॉय करते थे अपनी हेल्थ को। लेकिन आजकल क्या है, 50-60 साल में ही सब कुछ फिनिश होने की कगार पर होता है। तो दोस्तों इन्हीं में से कुछ फॉर्मेशन जिनको हम रसायन बोलते हैं, जिनको हम लेहम बोलते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें से हमने कुछ दो रसायन आपको 2-3 दिन पहले दिखाए भी थे हमारी फैक्ट्री में कि कैसे बनते हैं, जिसमें से एक का नाम था कल्याणकम गुलम और दूसरा था तालिशादी लेहम, और आज तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इतनी चमत्कारी और गुणकारी औषधि कह लो या आप उसको एक हर्बल जैम कह लो, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी हेल्थ को, अपने परिवार की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके, मेटाबॉलिज्म से लेके, आपके इम्यून सिस्टम, यहाँ तक कि जो आर्थराइटिस की जो संबंधी जो पेन होती है बॉडी में, उसमें बहुत ही गुणकारी है। इसके साथ साथ जो ये फॉर्मेशन जो मैं भी आपको बताऊंगा, ये हार्ट से संबंधित रोगों में भी काफी अच्छी इसके रिजल्ट आते हैं, और इसके बारे में मेरे साथ डॉक्टर शिवानी भी है, इनसे थोड़ी देर में पूछेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि उस फॉर्मेशन का नाम क्या है। उस फॉर्मेशन का नाम है विदारी आदि लेहम। क्या है? विदारी आदि लेहम। तो इसका जो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें कौन कौन से हर्ब्स हमने इस्तेमाल किए, आइए। तो इस जो ये फॉर्मेशन है विदारी आदि लेहम, इसका जो रेफरेंस है उसका रेफरेंस लिया गया है अष्टांग हृदयम। ये बड़ी ही महान पुस्तक है आयुर्वेद के अंदर, और ये अगर आप देखें, बैठ जाते हैं दोस्तों, बैठ लीजिए। तो ये देखिए आप, इसमें विदारी आदि ग्रहण और उसके गुण पूरा का पूरा रेफरेंस इसका यहाँ पे दिया गया है, कैसे इसको बनाते हैं, क्या क्या इसमें द्रव्य इस्तेमाल होते हैं, और जो हम रसायन बनाते हैं रसायन की विधि भी पूरी की पूरी इसमें दी गई है। देखिए विदारी आदि रसायन योग किस किस तरीके से, क्या क्या इसमें हर्ब्स होती हैं, ये सारा वर्णन हमारे यहाँ पे उसे लिया जाता है। और मैं दोस्तों एक चीज और आपको इन हर्ब्स के बारे में बताने से पहले बताऊं कि हमारे यहाँ पे जितने भी ये रसायन हैं या क्लासिकल जो मेडिसिन कह लो आप उसको, या कुछ ये ऐसे लेहम रसायन जो रूटीन की हमारी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, 100% ऑथेंटिक और क्लासिकल वे में प्रिपेयर होते हैं, पंच महाभूत के संगम से प्रिपेयर होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसे हर वो ट्रेडिशनल मेथड जो हमारी बुक्स में लिखा है उसको इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण किया जाए, ना ही कोई स्वीटनर मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल होता है, ना ही कोई ऐसा केमिकल इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर इसके अंदर डलता है, ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर हम डालते हैं। जो नेचुरल फ्लेवर हर्ब्स का आता है, जो नेचुरल टेस्ट हर्ब का आता है, वही उसके अंदर मिलेगा। और जब आप इसको लेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी चमत्कारी फॉर्मेशन है ये जो लेहम्स है, रसायन है, जिनको बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत को हेल्दी और मेंटेन रख सकता है। चलिए इसके हर्ब्स के बारे में जानते हैं। इस विदारी आदि लेहम के बारे में अगर हम बात करें हर्ब्स की, तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले तो इसका मेन जो द्रव्य है वो विदारी है। यहाँ हमने इसको बड़ा ही छोटी छोटी क्वांटिटी में लिया, लेकिन ये इसका मेन रिपली है, अनंत मूल उड़द सफेद मूसली देवदारू अश्वगंधा भी इसमें बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है, इलायची, फिर इसके अंदर है एरंड मूल, ये भी बहुत बेहतरीन हर्ब है, पुनर्नवा आप सभी लोग जानते होंगे, ये भी बहुत बेहतरीन हर्ब है जो कि पूरा डिटॉक्सिकेशन का काम करती है लीवर और किडनी के लिए। इसके अंदर सुंठ है यानी कि ड्राई जिंजर। इसके साथ फिर नेक्स्ट हर्ब है कंटकारी, जो कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी
रोगों में बहुत ही लाभकारी औषधि है ये, यह हर्ब है। शुर कुक शुर भी यानी कि ट्रिबलिस, ये आप लोग जानते होंगे, ये भी बहुत बेहतरीन हर्ब है। ये कह लो कि हर्ब ऑफ च्वाइस है ये। इसके अंदर है एक तवक शीर, लिक्विड द्रव्य की बात करें तो इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं गाय का शुद्ध ऑर्गेनिक देसी घी, प्योर घी। स्वीटनर के लिए, नेचुरल स्वीटनर के लिए इसमें इस्तेमाल होता है गुड़ का, यानी कि ऑर्गेनिक, जिसे जागरी बोलते हैं या शुगर केन भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है हनी, प्योर ऑर्गेनिक हनी। तो ये वो सारे द्रव्य थे जो आपने अभी देखे। दोस्तों आपने देखा कि इसमें कितने बेहद गुणकारी द्रव्य इसके अंदर इस्तेमाल हुए, और मैं आपको बताऊं कि ये सारे की सारी हर्ब ऐसी हैं जो आपके किचन में इजिली अवेलेबल है। आदि तो ऐसी है कि जो डेली हम इसमें अपने खान पान में, सब्जी में इस्तेमाल भी करते हैं। गुड़ भी आप इस्तेमाल करते होंगे, हनी भी हम इस्तेमाल करते हैं, मूंग भी इस्तेमाल करते हैं, उड़द भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि ये जो सफ़ेद मूसली या छोटी इलायची, अश्वगंधा, ये भी आपके घरों में मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये जो रसायन है, इनके अंदर जो हर्ब्स इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही बेहद गुणकारी हर्ब्स हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर शिवानी भी हैं जो मेडिकल ऑफिसर हैं हमारी कंपनी में, तो इनसे भी कुछ पूछते हैं थेरापेटिक गुण क्या है इस विदारीकंद के। तो डॉक्टर साहब बताइए आप थोड़ा सा कि ये जो विदारीकंद है रसायन, ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है और ये कैसे काम करता है, ये किस तरीके से सभी उम्र के लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा। बेसिकली ऐसा नहीं, जो से लेके बुजुर्ग तक इसको कोई भी यूज कर सकते हैं, और मेनली आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारे दोष है वात और पित्त दोष, इसके लिए शमन करता है। क्योंकि अगर बॉडी में वात दोष की प्रबलता या अगर एग्रावेशन होता है तो बॉडी में जनरल वीकनेस या बॉडी पेन, अर्थराइटिस, गाउट सिम्टम्स होते हैं, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट औषधि है। जैसे पित्त दोष का एग्रावेट मतलब इम्बेलेंस होता है, तो उसमें जैसे इनडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, गैस या कब्ज की दिक्कत रहना, उन सब के लिए ये गेहूँ काफी लाभदायक। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि ये किस तरीके, ये जो है जो रसायन है, किस तरीके से हमारी सेहत के लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो दोस्तों बीमार होने का इंतजार मत करिए, आयुर्वेद के अंदर मेंशन ऐसे ऐसे जो फॉर्मुलेशन जिसे हम अपने किचन में घरों में बना के रखते हैं, ये हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो घरों में ही इस तरीके के लेहन, इस तरीके के रसायन बना के रखते थे। यहाँ तक कि अगर आपने पहले देखा हो कि कुछ पंजीरी भी डालते थे, तो वो सारी की सारी फॉर्मुलेशनों की जो रेसिपी है वो हमारे इन ग्रंथों के अंदर मेंशन की गई है। तो दोस्तों आयुर्वेद के ही रसायन का इस्तेमाल कीजिए और अपनी हेल्थ, अपने परिवार की हेल्थ को हेल्दी रखिए। टेक केयर।